Hey guys, welcome to my channel Bollywood Dil Se और मैं हूँ शुभांगी कश्यप। आज मैं बात करने वाली हूँ शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी के बारे में। साल 2023 शाहरुख खान अपने नाम कर चुके हैं, या फिर यूँ कहें कि नाम करने वाले हैं, क्योंकि इस साल की शुरुआत में पठान से शाहरुख ने जो धमाका किया उसकी गूंज जवान की रिलीज के बाद तक सुनाई दे रही है। और शाहरुख खान ने अपने फैंस को सेलिब्रेट करने का एक ऐसा मौका दिया है जिसका सेलिब्रेशन साल के अंत तक फैंस मनाते रहेंगे, क्योंकि दो महीने बाद आ रही है शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी। जी हाँ, डंकी की अनाउंसमेंट पिछले साल ही हो चुकी थी। ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को क्रिसमस के मौके पर आ रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राजकुमार हिरानी ने। डंकी की बात करूँ तो डंकी वर्ड है पंजाबी टर्म जो कि डोंकी फ्लाइट के लिए यूज किया जाता है। ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा इलीगल तरीका है जिससे जो इमिग्रेंट्स है वो फॉरेन कंट्री गधों की तरह मीलों चलकर लंबा सफर तय करते हैं, और कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है शाहरुख की फिल्म। खबर है कि इस फिल्म में शाहरुख खान पंजाबी बॉय का रोल प्ले कर रहे हैं जो डंकी फ्लाइट के जरिए ही कनाडा तक अपना सफर तय करता है। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी तापसी पन्नू, और खबर है कि इस फिल्म में विक्की कौशल को भी अप्रोच किया है। साथ ही साथ बमन ईरानी और सतीश शाह जैसे एक्टर्स का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल स्टारकास्ट को लेकर कन्फर्मेशन का वेट है। राजकुमार हिरानी, ये वो नाम है जो बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के लिए ही जाने जाते हैं। आप चाहे तो लिस्ट उठा के देख लीजिए। तो यही समझ लें कि डंकी भी शाहरुख खान की तीसरी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, और इसी के साथ साल 2023 शाहरुख खान अपने नाम कर लेंगे और फैंस को मिल जाएगा अपने क्रिसमस और न्यू ईयर को रंगीन करने का एक बड़ा मौका। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि डंकी बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की बम्पर कमाई करेगी। और हाँ, बॉलीवुड दिल से को खूब प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।